पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफ़ी लंबी समय से बीमार थे और उन्हें अल्जाइमर्स नाम की बीमारी थी। साथ ही उन्हें पिछले कई दिनों से स्वाइन फ्लू भी था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस का मंगलवार को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें अल्जाइमर्स नाम की बीमारी थी। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जॉर्ज फर्नांडिस लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें अल्जाइमर्स नाम की बीमारी थी। साथ ही उन्हें पिछले कई दिनों से स्वाइन फ्लू भी था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जॉर्ज साहब ने भारत की बेहतरीन लीडरशिप का प्रतिनिधित्व किया। वो बेबाक और निर्भीक थे। उन्होंने देश के लिए अमूल्य योगदान दिया। वो गरीबों की सबसे मजबूत आवाज थे। आज उनके निधन से दुखी हूँ। 3 जून 1930 को कर्नाटक में जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस 10 भाषाओं के जानकार थे। वो वाजपेयी सरकार में अक्टूबर 2001 से मई 2004 तक रक्षा मंत्री रहे। फर्नांडिस के रक्षा मंत्री रहते हुए भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ और जिसमें भारत की जीत हुई। पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भी फर्नांडिस ही रक्षा मंत्री थे। ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर मशहूर जॉर्ज फर्नांडिस 1967 में पहली बार सांसद बने थे। देश में लगी इमरजेंसी के विरोध में जेल गए और ट्रेड यूनियन नेता के रूप में देश में रेलवे की सबसे बड़ी हड़ताल करवाई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया और चुनाव हारे। आखिरी बार वो अगस्त 2009 से जुलाई 2010 तक राज्यसभा के सांसद रहे थे। रक्षा मंत्री होने के साथ साथ फर्नांडिस ने 1979 में वीपी सिंह सरकार में रेल मंत्री और 1977 की जनता पार्टी सरकार में संचार और उद्योग मंत्री के तौर पर काम किया।